सलमान साहब, तो मैं बात कहना चाहूंगा, ये जो बिग बॉस का सीजन आपने बना डाला, कमाल कर दिया, हर तरफ हो रहा है भाई पाला, 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 जो भी आज के विजेता होंगे उनको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद। मकड़ी ने लगाया है यहां पे जाला। आज लक्ष्मी का खुल जाएगा ताला। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य कि आज मैं यहां पे मौजूद हूं। मैं श्री नकली अमिताभ बच्चन श्री असली सलमान खान के सामने खड़ा हुआ हूं। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। पहुंच रही है, पहुंच रही है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी घड़ी, फिनाले की घड़ी यहां पर पहुंच चुकी है और आज इस अवसर पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अभी कुछ क्षण पहले ही मैं सलमान साहब से मिला, यहां पे भी अभी देख रहे हैं, पूरे पूरे कपड़ों में सूट बूट में खड़े हुए हैं। इनको आते हुए मैंने अर्धनग्न अवस्था में भी देखा था। दबंग 3 का पोस्टर था यहाँ गेट के बाहर लगा हुआ है, उसमें देखा। और क्या बात मरती है उसमें यार, बहुत शुक्रिया जी। सौभाग्य देखिए, नकली अमिताभ बच्चन को असली सलमान खान शुक्रिया कह रहे हैं। तो जितने भी ये प्रतिभागी जो घर से निष्कासित हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हैं, पारस मम्मी से बातें बंद करो यार, बड़े दिनों बाद मिले हो मानता हूँ। मम्मी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं आपकी, आपसे नौ लेके हाथ पीले होने वाले हैं आपके। नमस्कार, जितने भी घर के अंदर सज्जन बैठे हुए, मैं श्री नकली अमिताभ बच्चन आपका नमस्कार करता हूँ। तो जितने भी सज्जन यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ झूठ बोल के यहाँ पे मौजूद हुए हैं, कुछ पहुंचे हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस बार घर में बातें हुई कैसी कैसी, इस बार घर में बातें हुई कैसी कैसी, ऐसी मतलब कैसी, ऐसी मतलब कैसी, ऐसी मतलब कैसी, ऐसी मतलब कैसी, क्या बात। एक ही शो जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं, फिर भी मुगले आजम याद दिला दे, ऐसे बन गए सीन। देखो क्या क्या रंग दिखा रहा है बिग बॉस 13। सभी यहां पर लड़ रहे हैं, चप्पल जूते तलवार भालू की तरह चल रहे हैं। कटप्पा क्या मारेगा बाहुबली को पीछे से, कटप्पा क्या मारेगा बाहुबली को पीछे से, जो मधुरमा ने मारा विशाल के पिछवाड़े के सीने पे। देखिए कवि ने कितना अच्छा बयान किया है, विशाल के पिछवाड़े के सीने पे। पिछवाड़े का भी सीना होता है, आज पता चला है। अब कहां होता है ये हमको नहीं मालूम। स्किन कलर का पिछवाड़ा कर दिया रंगीन, स्किन कलर का पिछवाड़ा कर दिया रंगीन। देखो क्या क्या रंग दिखा रहा है बिग बॉस 13। दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, सारे दंग रह गए दंग। जब मिली नहीं चाबी तो रश्मि ने बिग बॉस के घर में बैठे बैठे ही अपने घर का ताला बदल डाला। अब ताला बदल डाला ही है तो चलिए लॉक कर दिया जाए। आगे कविता सुनिए। फटी पड़ी है शर्ट किसी की फट गई जींस। काफी कुछ पड़ा है इन द बिग बॉस सीजन 13। दो शब्द मैं सना जी की तारीफ के लिए कहना चाहूंगा। बिना पैंधे का लोटा बोला, कभी फ्लिपर कभी मोटा बोला, कागा से भी बातें कर ली। कागा शायद आप समझती होगी, कागा एक होता है जो श्राद्धों के दिनों में ऐश दादाजी को खाना खिलाने के काम आता है, खीर भी खिलाई जाती है। कागा से भी बातें कर ली, जेलसी की बाल्टी भर ली और आंसुओं से पूरे बिग बॉस को गीला कर दिया।
और आंसुओं से पूरे बिग बॉस को गीला कर डाला। बाला ओ बाला बाला शैतान का सला। कई बार राइमिंग नहीं बनती तो ये सब करना पड़ता है। अब कुछ आखिरी पंक्तियां नहीं है, इसके बाद भी है। इस घर में रहने जो भी आया उसने अपना बेस्ट दिखाया, पर आज से वैसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने सिर्फ अपना चेस्ट दिखाया। चाओ चाओ में हिमांशी को रिझाया, चाओ चाओ में हिमांशी को रिझाया और फिर चाव से ही उसका रिश्ता तोड़ा है। पारस की लगी है लॉटरी, पारस की लगी है लॉटरी। एक गर्लफ्रेंड बाहर और घर के अंदर माहिरा को पप्पी पे पप्पी कर रहे हैं। इनको घर के अंदर बैठे नहीं, इतना वायरस फैला हुआ है। इस बार सच में आखिरी पंक्तियां। ला 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 ला। चला जा रहा था, चला जा रहा था बिग बॉस सीजन 13, चला जा रहा था। बैंड्रा से फिल्म सिटी, फिल्म सिटी से बैंड्रा सलमान खान आ रहा था। भाई तुम पप्पी कर रहे हो, बाहर वाले कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। सच बता रहा हूं, हम तो माइक भी धो धो के यूज कर रहे हैं। चला जा रहा था, चला जा, पता भी नहीं हो रहा था भैया बिग बॉस 13।